कैसे हैं आप सभी? I hope all of you are well. मुझे कुछ दो तीन दिन की देर हो गई है एक नया वीडियो बनाने में, तो I'm sorry, but अब हम कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे. हमारा रूल नंबर 3, जो कि हम बैंक रिकंसोलिडेशन स्टेटमेंट में पढ़ रहे थे. रूल नंबर 3 क्या है? आई होप कि आपको पहले दो रूल बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे. अब मैं आपको रूल नंबर 3 सिखा रहा हूँ, जहां पर हमने रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2, जो कि फेवरेबल बैलेंसेस से स्टार्ट किए थे. रूल नंबर 1 जहां हमने स्टार्ट किया था कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस, रूल नंबर 2 जहां हमने स्टार्ट किया था पासबुक के फेवरेबल बैलेंसेस से. अब रूल नंबर 3 अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कैश बुक के अनफेवरेबल बैलेंस, इट मींस द नेगेटिव बैलेंस, इट मींस द क्रेडिट बैलेंस. समझ में आ रहा है? तीनों वर्ड समझ में आना चाहिए, अनफेवरेबल बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस एंड द नेगेटिव बैलेंस से स्टार्ट करते हैं. तो फिर अब हम क्या लेने वाले हैं कि किस तरह से हम अपने रूल को स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए चलिए हम रूल को देखते हैं. रूल नंबर 3 हमारा है क्या? रूल नंबर 3 कहता है व्हेन द बैलेंस स्टार्ट विद कैश बुक एंड द क्रेडिट बैलेंस एंड नेगेटिव बैलेंस एंड द रिक्वायरमेंट इज द बैलेंस एज पर द पासबुक. इट मींस जब हम नेगेटिव बैलेंस कैश बुक की बात कर रहे हैं, यानी कैश बुक के बैंक कॉलम के नेगेटिव बैलेंस की बात करें, तो पासबुक में भी उस समय नेगेटिव बैलेंस ही चल रहा होगा. और वो नेगेटिव बैलेंस यानी हमारे यहाँ का क्रेडिट बैलेंस जो नेगेटिव है, वही बैंक के यहाँ पर क्या होगा? डेबिट बैलेंस होगा. क्या इफेक्ट होने वाले हैं? दो रूल आपने बहुत अच्छे से करे हैं, आपने उनके क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से किए होंगे. चलिए मैं रूल नंबर आपको बहुत अच्छे से 3 सिखाता हूँ. क्या होता है? कुछ नया नहीं सीखा है बेटा, यहाँ पर सीखना है तो सिर्फ रूल नंबर 1 सीखना है, क्योंकि रूल नंबर 1 और रूल नंबर 3 हमारा सिमिलर है. जो रूल नंबर 1 में आपने इफेक्ट दिए, वही रूल नंबर आपको 3 में भी इफेक्ट देने हैं. सेम पॉजिटिवली उसको उसी वे में हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैश बुक बैलेंस इंक्रीजेस, कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज हो चुका है. अगेन वापिस से चलिए देखिए, ये मेरे पासबुक का बैलेंस है, मेरे कैश बुक का बैलेंस. कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज हो चुका है, पासबुक के बैलेंस में कोई इफेक्ट अभी तक नहीं आया है, और हमें रिक्वायरमेंट है पासबुक के अकॉर्डिंग बैलेंस को ले जाने की. तो हमें कैश बुक के बैलेंस को क्या करना होगा? कम करना होगा. देखिए बेटा, कम कर दिया. जस्ट आपने अगर मेरा पहला लेक्चर पार्ट नंबर 1 देखा है, तो हमने इसी रूल को फिर से यही पढ़ा था, बट हमने उसको पॉजिटिव सेंस में पढ़ा था, जहां पर हमने कैश बुक के पॉजिटिव बैलेंस से स्टार्ट किया. क्लियर? नेक्स्ट है, कैश बुक बैलेंस डिक्रीज हो चुका है. इट मींस मैंने कोई चेक इश्यू किया होगा, जिसके कारण मेरा कैश बुक का बैंक कॉलम का कैश बैलेंस क्या हो चुका है? कम हो चुका है. जबकि पासबुक में वो चेक अभी तक प्रेजेंट होने के लिए गया ही नहीं, बैंक में वो प्रेजेंट होने ही नहीं गया, मेरा बैंक का बैलेंस क्या है? कम है. तो हमें क्या करना होगा? हमें पासबुक के अकॉर्डिंग कैश बुक का बैलेंस भी क्या करना होगा? बढ़ाना पड़ेगा. दोनों रूल में एक साथ सिखा रहा हूं, एक तो विजुअलाइज करके भी दिखा रहा हूं, और मैंने रूल भी बना रखा है आपके लिए. क्लियर? चलिए थर्ड देखते हैं. कैश बैलेंस नो चेंज बट इंक्रीज इन द पासबुक. पासबुक का बैलेंस इंक्रीज हो चुका है. सपोज करें कि एक डेटर ने हमारे अकाउंट में डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया है, एक डेटर है, कस्टमर है, डायरेक्टली हमारे अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया, जिससे मेरे पासबुक का बैलेंस क्या हो चुका है? इंक्रीज हो चुका है. जबकि कैश बुक के बैलेंस में अभी तक, क्योंकि ट्रांजेक्शन की इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, तो कैश बुक का बैलेंस में अभी क्या है? कमी है. तो पासबुक के अकॉर्डिंग जाना है, कैश बुक को भी क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा. ये देखिए बेटा, बढ़ा दिया. क्लियर? नेक्स्ट, कैश बैलेंस नो चेंज बट डिक्रीज इन पासबुक. सपोज करें कि बैंक ने हमारे ऊपर कुछ चार्जेस डेबिट किए होंगे, जिसके कारण पासबुक का बैलेंस क्या हो चुका है? कम हो चुका है. जबकि ऐसी कोई इंफॉर्मेशन मेरे पास है नहीं कि कैश बुक का बैलेंस मैं कम कर दूं. जब मैं पासबुक के एंट्री कराने जाऊंगा, तब मुझे पता चलेगा कि बैंक ने हमारे ऊपर बैंक चार्जेस क्या कर दिए हैं? डेबिट कर दिए. तो बैंक ने हमारे ऊपर बैंक चार्जेस डेबिट किए, तो पासबुक के अकॉर्डिंग मुझे कैश बुक का बैलेंस भी क्या करना होगा? कम करना होगा. ये देखिए, कैश बुक का बैलेंस भी क्या हो चुका है? कम हो चुका है. आई होप कि आपको ये रूल बहुत अच्छे से क्या आया होगा, समझ में आया होगा. चलिए एग्जाम्पल, हमने रूल बहुत अच्छे से समझ लिया, प्रैक्टिकली उसको देखने की कोशिश करते हैं. क्या ये रूल एज इट इज हमारा रूल का नहीं, रूल एज इट इज अप्लाई होता है इस एग्जाम्पल के ऊपर. नाउ लेट्स स्टार्ट विद एग्जाम्पल. क्वेश्चन नंबर 3. ऑन 31st of March 2014, राकेश हैड एन ओवरड्राफ्ट ऑफ ₹8,000 एज शोन बाय हिज कैश बुक.
यानी कैश बुक में ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट क्या होता है, ओवरड्राफ्ट ये होता है कि हमारा रिसीव्ड वाला कॉलम कम है और पेमेंट वाला कॉलम क्या है कम ज्यादा है, इट मींस द डेबिट साइड कम और क्रेडिट साइड क्या है कैश बुक की ज्यादा है, इस तरह से हमारा नेगेटिव बैलेंस क्रिएट हो जाता है। 8000 का नेगेटिव बैलेंस कैश बुक में शो कर रहा है। चेक अमाउंटिंग टू रुपीज 2000 हैड बीन पेड इन बाय हिम बट वर नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। एक चेक मैंने बैंक को पे किया है कि बैंक मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर देना, जबकि बैंक ने अभी तक वो मेरे अकाउंट में कलेक्ट ही नहीं किया है, यानी वो चेक कलेक्ट होकर ही नहीं आया है। इट मींस हुआ क्या है कि कैश बुक के बैलेंस को तो मैंने बढ़ा दिया क्योंकि चेक आया था मेरे पास, मुझे डिपॉजिट करना था, मैंने डिपॉजिट कर भी दिया, मैंने कैश बुक का बैलेंस बढ़ा दिया। पासबुक में अभी तक इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन है नहीं क्योंकि कलेक्ट होने ही नहीं गया है बैंक में अभी तक वो, तो पासबुक का बैलेंस क्या है कम, तो कैश बुक के बैलेंस को भी क्या करना होगा कम करना होगा। इट मीन्स ये 2000 का जो चेक है हम क्या करेंगे अपने स्टेटमेंट में इसे नेगेटिव साइड पर बताएंगे, माइनस साइड पर बताएंगे। क्लियर? अगेन वापिस आके देखें नेट ट्रांजेक्शन क्या बोलता है। ही इशूड चेक फॉर रुपीज 800 विच वर नॉट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट। एक चेक हमने इशू किया तो कैश बुक के बैलेंस को क्या कर दिया कम कर दिया, जबकि वो बैंक में अभी तक प्रेजेंट होने के लिए नहीं गया, यानी बैंक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, तो पासबुक के अकॉर्डिंग हमें कैश बुक का बैलेंस भी क्या करना होगा बढ़ाना पड़ेगा। हमने बढ़ा दिया उसको, हम बढ़ाएंगे नहीं, हम क्वेश्चन पूरा करने वाले हैं तो हम उसको बढ़ाने वाले। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, देयर वॉज अ डेबिट इन हिज पासबुक ऑफ रुपीज 60 फॉर इंटरेस्ट 800 फॉर बैंक चार्जेस। जैसा भी मैंने आपको बताया था, बैंक ने हमारे ऊपर कुछ, क्योंकि नेगेटिव बैलेंस है इसलिए बैंक ने हमारे ऊपर इंटरेस्ट का चार्ज लगाया, कुछ बैंक चार्जेस उन्होंने वो डेबिट किए, बैंक ने हमारे अकाउंट में 60+100 टोटल 160 रुपीज क्या कर दिए डेबिट कर दिए, यानी पासबुक का बैलेंस कम कर दिया है। कैश बुक में अभी तक जब तक मैं एंट्री नहीं कर रहा हूं पासबुक में तब तक ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, पासबुक के अकॉर्डिंग हमें उसे क्या करना होगा कम करना होगा। जब ये सारे ट्रांजेक्शन के इफेक्ट हम अपने बैंक रिकॉन्सिलाइजेशन स्टेटमेंट पर देंगे तो हमारा बैंक रिकॉन्सिलाइजेशन स्टेटमेंट मैच हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द पासबुक। क्लियर? चलिए करना स्टार्ट करते हैं, मेरे साथ साथ आप भी करना स्टार्ट करें ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या हो बहुत अच्छे से बढ़ जाए। चलिए नाउ स्टार्ट। पहले हम फॉर्मेट बनाएंगे, ठीक है? ओके सर, पर्टिकुलर का एक कॉलम बना दीजिए। मैंने कहा ठीक है, एक प्लस का कॉलम बना दीजिए। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया बात है, एक प्लस का कॉलम, एक माइनस का कॉलम, ये कॉलम बनाया मैंने पर्टिकुलर। सर हेडिंग कुछ लिखना है क्या? मैंने कहा यस, लिखे बैंक रिकॉन्सिलाइजेशन स्टेटमेंट, बैंक रिकॉन्सिलाइजेशन स्टेटमेंट। क्लियर? चलिए स्टार्ट करें। कहां से स्टार्ट करना है? सर स्टार्ट करना है हमें बैलेंस एज पर कैश बुक। कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस? नेगेटिव बैलेंस। क्लियर? समझ में आ रहा है पिछले दो क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या अंतर आएगा? जहां हम पॉजिटिव बैलेंस से स्टार्ट करते थे तो हम अपने आइटम को स्टार्ट करते थे प्लस आइटम से, अब हम नेगेटिव बैलेंस से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम अपने आइटम को स्टार्ट करेंगे, अपने ट्रांजेक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं नेगेटिव बैलेंस से। ये हो गया, मैंने 8000 लिख दिया है। आई होप कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है चेक, हमने बैंक को पे किया है 2000 की, बैंक हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर देना, बैंक ने अभी तक कलेक्ट ही नहीं किया है, तो लिखिए चेक पेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। क्या करना है दोस्त, समझना बात को। हमने चेक पे कर दिया है 2000 का, यानी कैश बुक का बैलेंस बढ़ा दिया है, पासबुक में चेक कलेक्ट होने गया नहीं है बैंक में, तो पासबुक का बैलेंस कम है, पासबुक के अकॉर्डिंग हमें कम करना होगा, तो 2000 रुपीज हम क्या कर देंगे यहाँ पर कम कर देंगे, इट मींस माइनस साइन को लिखेंगे। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट समझते हैं। एक चेक इश्यू किया है 800 रुपीज का हमने बैंक में प्रेजेंट करने के लिए, बैंक ने अभी तक उसको
पेमेंट नहीं किया है तो 800 रुपीस का चेक यानी कैश बुक का बैलेंस कम कर दिया है, पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, पासबुक के अकॉर्डिंग बढ़ाना पड़ेगा। चलिए लिखिए चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट। ओके कहाँ लिखे हैं? प्लस आइटम 800 रुपीस। ओके सर समझ में आ रहा है हमें। There was a debit in his passbook 16100 rupees bank charges. तो बैंक ने हमारे ऊपर कुछ चार्जेस और इंटरेस्ट के नाम से डेबिट किए हैं। पासबुक का बैलेंस कम कर दिया है बैंक ने, कैशबुक में ऐसी इंफॉर्मेशन है नहीं, तो 160 हमें पासबुक के अकॉर्डिंग कैशबुक को भी कम करना होगा। तो इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस मैंने दोनों एड कर देना है। बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक बाय बैंक टोटल कितना 160 बैंक ने कम किया है, बैंक ने कम किया है, हमें इंफॉर्मेशन नहीं है तो हमें भी क्या करना होगा, कम करना। इज दैट क्लियर? सभी को बात समझ में आ रही है? सारे ट्रांजेक्शन क्लियर है आपको? हाँ बेटा सभी को क्लियर है? ठीक है चलिए तो उसकी टोटल लगाते हैं। टोटल लगाना पता चला कि ये टोटल आई हमारी 10,160। तो यहां लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक, कौन सा बैलेंस आएगा? डेबिट। चलिए दोस्त फटाफट माइनस कीजिए 10,000 माइनस 800 9,200 माइनस 9,360 क्लियर 10,160 ठीक है ये हो गया हमारा बैलेंस मैच हो गया। इट मींस द बैलेंस एज पर पासबुक आ रहा है हमारा हुआ 9,360। इज दैट क्लियर? आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बेटा बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं आपको इस चैप्टर में बहुत आसान कर दूं, इस चैप्टर को करना आपके लिए डिफिकल्ट ना हो। सिर्फ मेरी चार बातों को आपको याद रखना है कि कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज हुआ है, कैश बुक का बैलेंस डिक्रीज हुआ है तब पासबुक में कोई इफेक्ट नहीं हो रहे हो, या फिर कैश बुक के बैलेंस में कोई इफेक्ट नहीं है और पासबुक के बैलेंस में क्या हो रहे हो, इंक्रीज या डिक्रीज हो रहे हो। इन चार ट्रांजेक्शन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छे से रीड करना है तो ये बड़ा आसान सा चैप्टर है। पर अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप मैं कितने भी आपको रूल पढ़ा दूं आपके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। बहुत अच्छे से समझना, अच्छे से प्रैक्टिस करना। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए रूल नंबर 4 का बनाने वाला हूं। आई होप कि आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ओके थैंक यू। जय हिंद।